तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रद्धा है और इस बार के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पेपर था PG81 MSc जूलॉजी, उसमें मेरा स्कोर रहा है 194 आउट ऑफ 300। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना है। तो ये वीडियो जो है इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट पार्ट है कि आपको क्लासिकल जूलॉजी कहाँ से करना है, फिर कौन कौन से टॉपिक्स उस पर फोकस करने हैं, फिर आता है मॉडर्न बायोलॉजी और लास्ट में आपका जो स्पेशल टॉपिक्स है क्योंकि और जीके, ये पार्ट्स पे मैं फोकस करूंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मॉडर्न बायोलॉजी के बारे में, आपका फर्स्ट स्टेप जो प्रिपरेशन में रहता है वो ये है कि आपको BHU के 2014 से लेके 2021 के सारे पेपर सॉल्व कर लेने हैं। आप लोगों को ये तो पता होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पेपर है वो रिलीज नहीं होता है, तो एक पैटर्न तो हमें चाहिए ये जानने के लिए कि कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से नहीं। तो मैंने क्या करा था, 2014 से 21 के जो BHU के पेपर्स हैं वो सारे सॉल्व करे थे। उसको सॉल्व करके उनके आंसर्स देख के वो जो टॉपिक है वो कौन से मतलब वो जो क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक में से आता है, तो मैंने उनको मार्क करा था अपने पाथ फाइंडर की। इसकी पार्ट वन और पार्ट टू, ये ऐसे दो बुक्स आती हैं पाथ फाइंडर की, तो आपको इन्हें परचेज कर लेना है या फिर इनका PDF ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है। तो पहले आप प्रीवियस ईयर लगाइए क्वेश्चन पेपर BHU के, उसके बाद जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उन टॉपिक्स को मार्क कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या करा था। अगर बात करें चैप्टर वन, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स एंड कैटलिस्ट, इनमें से मैंने ये प्रिपेयर करा था कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो कैसे बनता है, इसके अलावा जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है अमाइनो एसिड की कि कौन सा काइरल मॉलिक्यूल है, कौन सा ए काइरल है, किस में कितने काइरल सेंटर्स हैं, वो प्रिपेयर करा था। इसके अलावा सारे अमाइनो एसिड के बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए। ये हुआ आपका अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन के बारे में। इसके अलावा मैंने ये करा था कि जैसे कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर भी देखे थे, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन है तो उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। न्यूक्लियोटाइड में बेसिकली आपको ADNA, BDNA और ZDNA के बीच में डिफरेंस पता होने चाहिए। ये आपको एक पाथफाइंडर में टेबल दिखेगा, उस टेबल को आप कर लीजिए तो उतना मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेगा। उसके अलावा जो आपका शरगाफ रूल है उसको अच्छे से देख लीजिए कि उनमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं और शरगाफ रूल ने क्या बोला है। कार्बोहाइड्रेट टॉपिक है तो उसमें आप देख लीजिए कि ग्लूकोज का जो एपिमर है वो कौन कौन से होते हैं। ये वाला टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है और पाथफाइंडर में गिवन भी है। जैसे कि आपको पॉलीसेक्राइड्स मिलेंगे, होमोपॉलीसेक्राइड या फिर हेट्रो, और आपको उनके कॉन्स्टिट्यूएंट बताने हैं, जैसे कि लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, काइटिन हो गया, सेलुलोज हो गया, तो इन सबका एक टेबल बना है, उन टेबल को आप कर लीजिएगा। लिपिड के लिए आप देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो उनमें से आप लिपिड वाले टॉपिक को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट विटामिन्स आप ध्यान रखिए, और विटामिन में से कौन सा डिजीज होता है उनके डेफिशिएंसी से वो आपको पता होना चाहिए। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए कौन सा विटामिन इम्पोर्टेंट है, जिसका आंसर है विटामिन के। तो इसलिए आपको विटामिन्स वाला जो है उस टॉपिक में आपको डिटेल में नहीं जाना है, इतना देख लेना कि विटामिन्स कौन कौन से हैं और उनके डेफिशिएंसी से, जैसे रिकेट्स हो गया या कलर ब्लाइंडनेस हो गया, तो वो कौन कौन से डिजीज। एंजाइम वाला टॉपिक है, उसमें आप कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, मिक्स्ड इनहिबिशन, तो इनमें ये देख लीजिएगा कि किसमें VM कम होता है, किसमें VM ज्यादा होता है, किसमें KM की वैल्यू कम होती है, किसमें KM की वैल्यू बढ़ती है, तो वो अगेन एक टेबल के फॉर्म में पाथफाइंडर में गिवन है, तो आप उसको एक बार रेफर कर लो। एनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म, तो इसमें आपको सारे पाथवेज कर लेने हैं। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में स्पेसिफिकली पामेटिक एसिड पे पूछा जाता है क्वेश्चन कि कितने ATP जो हैं वो फाइनली जनरेट होते हैं, तो आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए पामेटिक एसिड का। 2022 के पेपर में बायोमोलिक्यूल और बायोकेमिस्ट्री में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आए थे, पर ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है। पर सेल बायोलॉजी में से क्वेश्चंस इस बार भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो सेल बायोलॉजी में मेनली आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पता होने चाहिए, कौन से साइंटिस्ट ने कौन से मॉडल दिए थे, ये भी ऑर्गेनलीज हैं वो याद करने हैं, उनके प्रॉपर्टीज, उनके फंक्शंस, जो स्पेसिफिक फंक्शंस हैं वो याद करने हैं। ऑर्गेनलीज का वेट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इस बार भी पूछा गया था कि जो
मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा कौन से ऑर्गेनली का हाईएस्ट होता है, जिसका आंसर था न्यूक्लियस। तो आपको ये अरेंजमेंट पता होना चाहिए। अब आपको साइटोस्केलेटन के बेसिक्स, आपका सेल साइकिल और सेल डिवीजन है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। और सेल सिग्नलिंग थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगता है ये, तो अगर आपके पास टाइम कम बचाओ या आपको ज्यादा समझ ना आए तो आप बस जीपीसीआर देख सकते हैं। प्रोकैरियोट एंड वायरस पे ये टॉपिक मैंने उतना ध्यान से नहीं करा था, मैंने बस उसमें बैक्टीरियल डिजीज और जो वायरस, वायरॉयड और प्रायोन, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी, क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी, इनको अच्छे से कर लीजिए। हाइपर सेंसिटिविटी टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो टाइप 1 से लेकर टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के सारे प्रॉपर्टीज आपको पता होने चाहिए। तो अब आते हैं पार्ट 2 बुक में। जेनेटिक्स वाला जो टॉपिक है वो पाथफाइंडर पार्ट 2 बुक में काफी एक्सटेंसिव है, तो जेनेटिक्स आप यहां से ना करके यूट्यूब पे वीडियोज ही देख लीजिएगा मेन मेन टॉपिक्स के, तो वो आपके लिए सफिशियंट है। जेनेटिक्स पे मेन आप फोकस कीजिएगा, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व, मेंडल के आपको सारे लॉस पता होने चाहिए, म्यूटाजेंस क्या होते हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यूकैरियोटिक क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम, ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाना है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो आपको रेप्लिकेशन से लेके ट्रांसलेशन तक सारे डिटेल्स पता होने चाहिए। इसके अलावा लैक ओपरॉन आप अगर कर लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, लैक ओपरॉन, और अगर टाइम मिले तो ट्रिप्टोफैन ओपरॉन, वैसे अगर आप लैक ओपरॉन भी कर लें तो वो काफी रहेगा। कॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो ये काफी एक्सटेंसिव टॉपिक है पाथफाइंडर में, आपको अलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है डाइजेशन वाले चैप्टर में से एंजाइम्स के नाम। स्पेशन में आप एक बार ओवरव्यू ले लीजिएगा, टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं। स्पेशन में आप स्पेसिफिकली काउंटर करंट मैकेनिज्म ये करके जाइएगा एग्जाम के लिए। एंडोक्राइन सिस्टम में आपको मेनली सारे डिजीजेस पता होने चाहिए। इकोलॉजी पे इस बार भी 2-3 क्वेश्चंस आए थे और आगे भी आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में, किसे नेरेटिक जोन बोलते हैं, कौन सा फोटिक जोन होता है, तो ये वाला टॉपिक आपको कवर कर लेना है। इकोलॉजिकल सक्सेशन आपको पता होना चाहिए कि कैसे होता है। एवोल्यूशन पे हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप करके जाइएगा, उसके एक दो अगर न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा हॉर्स का एवोल्यूशन वो थोड़ा सा देख लीजिए। नेचुरल सिलेक्शन के पॉइंट्स, जेनेटिक ड्रिफ्ट कब काम करती है, हार्डी वीनबर्ग कब फेल करती है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इतना कर लेंगे, ये जो मैं जितना बता रही हूँ ये मोर देन सफिशियंट है, और ये सब मैंने भी खुद बीएचयू प्रीवी से पेपर सॉल्व करके ही एनालाइज करा है, तो आप अपना खुद एक एनालिसिस बना सकते हैं जब आप प्रीवी से पेपर को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो ये हुआ मॉडर्न बायोलॉजी के बारे में। क्लासिकल जूलॉजी जो है उसके लिए एक बुक आती है अनीता सहगल, तो ये उसका कवर है, तो ये बुक आपको फॉलो करनी है क्लासिकल जूलॉजी के लिए। इसमें से आपको सारे नहीं पर कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट, आप खाली इसके अगर बैक क्वेश्चंस भी कर लेंगे अनीता सहगल के तो वो मोर देन सफिशियंट है। इसके अलावा अनीता सहगल से आपको यूनिट 3 करने की जरूरत नहीं है, जिसका नाम है वर्टिब्रेट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, पर आपको एम्ब्रियोलॉजी जो है यानी कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी ये यहां से देख लेना है, स्पेसिफिकली ऐसे टॉपिक्स जैसे कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चीक, के अलावा क्लीवेज, तो क्लीवेज पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज किसमें होता है, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज किसमें होता है, किसमें इक्वल होता है किसमें अनइक्वल होता है, जो एग्स होते हैं वो टीलोलेसिथल किसमें होता है, एलेसिथल किसमें होता है, तो ये वाले पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। स्पेशल टॉपिक्स की बात करें तो आपको दिखेगा जैसे स्नेक वेनम हो गया, स्नेक का जो बाइटिंग मैकेनिज्म है वो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर अनीता सहगल में एक टॉपिक है बायोलॉजिकल रिदम, तो ये बायोलॉजिकल रिदम आपको पूरा अच्छे से कर लेना है क्योंकि इसमें से मिनिमम आपको 1 से 2 क्वेश्चन दिख जाएंगे पेपर में। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक जूलॉजी, तो आपको लैक कैसे प्रोड्यूस होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। सेरिकल्चर के जो बेसिक्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिल्क होते हैं वो पता होना चाहिए। पॉलीइथिज्म ये वाला क्वेश्चन इस बार भी आया था और आगे भी रिपीट हो सकता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट नॉन पॉइजनस और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइजनस स्नेक होते हैं, इस बार क्वेश्चन में आया था कि हमें आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा स्नेक इनमें से नॉन पॉइजनस है या कौन सा हीमोटॉक्सिक है और कौन सा न्यूरोटॉक्सिक है, तो ये आपको स्नेक वाला टॉपिक भी अच्छे से कर लेना है। स्पिनोडॉन पे 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो स्पिनोडॉन वाला टॉपिक भी आप एक बार देख लीजिएगा, एटलीस्ट ये वाले जो स्पेशल टॉपिक्स है इनको आप करके ही जाइए। इस टॉपिक दैट इज जीके, तो जीके को कैसे प्रिपेयर करना है क्योंकि जीके में 50 क्वेश्चन आते हैं,
सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करें, चाहे आपको आंसर आए या ना आए, सिंस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेने हैं। मैंने 50 के 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। उसके बाद आपको एलिमिनेशन टेक्निक काफी काम आएगा जीके में सॉल्व करते टाइम। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा चारों ऑप्शन को देख के कि कैसे उसको एलिमिनेट करके मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को निकाला जाए। रही बात जीके की, तो मैंने ऐसा कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करी थी जीके के लिए, पर क्वेश्चन पेपर देख के मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता सकती हूँ जो कि आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो पहले आती है मैथ्स की बात। तो मैथ्स में जैसे हम क्लास 8 में एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स करते थे, तो आप उतना कर लीजिएगा तो आपके लिए सफिशियंट होगा। उसमें से दो तीन क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। फिर नंबर सीरीज पे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि उसमें ऐसे लिखा जाएगा कि फाइंड आउट द नंबर्स बिटवीन 70 to 90 दैट इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 5, ऐसे करके क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ऐसे दो तीन और क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आपको रीजनिंग की और प्रैक्टिस करनी है, तो आप सीयूईटी के जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं उसमें जो रीजनिंग आ रखा है उसको आप एक बार देख सकते हैं। तो ये रही मैथ्स की बात। रही बात जीके की, तो आपको बेसिक पता होने चाहिए, जैसे कि मुस्लिम लीग कब फॉर्म हुआ था, इस पे काफी बार क्वेश्चन आ जाता है। फिर उसके बाद यह आ जाता है क्वेश्चन में कि पॉलिटिकल साइंस में जैसे इस बार क्वेश्चन आया था कि स्विम एंड सिंक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम किसे बोलते हैं, तो आप एक बार ये देख लीजिएगा कि बेसिक्स। ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका फोकस डोमेन पे ही होना चाहिए, पर जैसे थोड़े बहुत बेसिक्स होते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी करेंटली कौन है, इनके बारे में डिटेल्स। और इसके अलावा जो स्पोर्ट्स, जैसे खेलो इंडिया गेम्स के ऊपर इस बार 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे कि कौन से स्टेट में हुआ था, कौन सा स्टेट विनर रहा, कौन सी यूनिवर्सिटी विनर रही। तो आप थोड़ा सा स्पोर्ट्स के ऊपर देख लीजिएगा जब भी आप पेपर दें, उसके 2-3 महीने पहले अगर कोई इम्पोर्टेंट स्पोर्ट रही है या कोई कंपटीशन रहा है, तो उसमें कौन विनर रहा है, वो कौन से सिटी या कंट्री में हुआ है, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स, खेलो गेम्स, तो इनके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट डेज पे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको लेके ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपसे याद हुआ तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। तो वो जैसे कि मुझे नहीं आते थे ऐसे क्वेश्चन, जैसे कि आर्मी डे, नेवी डे, ये सब डेज कब सेलिब्रेट करते हैं, तो अगर आपको याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये रहा कुछ मेरे तरफ से टिप्स फॉर जीके, क्लासिकल जूलॉजी एंड मॉडर्न बायोलॉजी। सो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू कृतिका मैम जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया आप तक पहुंचने के लिए, आप तक मेरा नॉलेज शेयर करने के लिए। और इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि YouTube का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको कृतिका मैम का चैनल दिख जाएगा, तो उसे आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैम उसमें मॉक करवाती हैं, क्विजेस करवाती हैं। तो क्विजेस का बेनिफिट ये है कि एक तो आप क्विज करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपके मिस्टेक्स क्या है, ऊपर से आपको एक मोटिवेशन रहेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि आपके साथ साथ और भी बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका रैंक कितना आ रहा है उस क्विज में तो आपको पता चलता रहेगा, तो आप उस हिसाब से अपने आप को इवेल्युएट करके परफॉर्म कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू।